अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवार जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। मैं इस वक्त स्कॉर्पियंस को बताने के लिए जा रहा हूं कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, जो कि 3 से 9 नवंबर तक ये हफ़्ता का दौरानिया बनता है। इसमें जैसे कि आपका मेरा तारफ एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट का भी है, और मैंने पिछले वीक आपको बताया था कि रबी लेवल स्टार्ट होने लगा, और इसकी सातों के हवाले से कुछ ख़ास अमल आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा, आपका अपना रूलिंग प्लेनेट जो मार्स है वो किस कंडीशन में, और असेंडेंट में जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है वो क्या करेगी, इसके बारे में आपको गाइड करूँगा। वीनस आपके खाना माल में आ चुका है, इसकी क्या असरात आपके ऊपर मुरतब होंगे, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको बताई जाएंगी। अगर वीडियो के एंड पे किसी बात की आपको समझ ना आए तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास व्हाट्सअप का नंबर आ रहा होता है। ये जितनी इन्फॉर्मेशन है ये जनरल है, इंडिविजुअल के लिए आपके पास नंबर आ रहा होता है, आप उस पर रब्ता करके तो अपना हॉरोस्कोप जो है वो बनवा सकते हैं। इस वक्त मैं स्कॉर्पियंस को बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपके लिए ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। स्कॉर्पियो आपका अपना रूलिंग प्लैनेट इस वक्त जाइचक के 12वें मौजूद है। 12वां घर जो है वो ये प्रॉब्लम्स का घर हम कहते हैं, नुकसानात का घर हम इसको कहते हैं। हिंदी नजूम में इसको आपके पिछले ज़माने की जो चीज़ें हैं, जो आप पिछले जन्म की बातें हैं उसमें काउंट करते हैं, जबकि हम मैं इसको देखता हूँ कि अभी इसी ज़िंदगी में जो है उसमें आपने जो पीछे काम किए हुए थे उसका रिज़ल्ट अब जो है वो आपके पास आएगा, और ये कोई अच्छा रिज़ल्ट आता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात ये है, ये 12वां घर जो ये खुफिया साजिशों का घर भी है, और ये इसमें खूबसूरती ये है कि इस वक्त आपके 12वें घर में मरीख का बवाल, यानी आप अपने खुफिया दुश्मनों पर खुद भारी पड़ रहे हैं और आप इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेंगे। बहरहाल कुछ नुकसान सडन जो है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, खुदा ना खास्ता आपको हॉस्पिटलाइज जो है वो होना पड़ सकता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए सबसे बेहतरीन जो सदका है वो 800 ग्राम 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का मंगल वाले दिन सदका देना, जो कि आपके अपने बुर्ज और सैारे से मुतलका दिन है, उसी दिन सदका देना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। असेंडेंट में मरकरी की रेट्रोग्रेशन ये आपके पब्लिक इमेज को जो है वो डिस्टर्ब करेगी, आप चीज़ों के जो बनते बनते जो है ना वो बिगड़ सकती हैं, और चूँकि मरकरी आपके जायचे के 8वें घर का हाकिम है तो ये आपको ज़हनी दबाव की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा ये आपके 11वें घर का हाकिम है, तो अगर मैं तीनों को मिला के पढ़ूँ तो दो चीज़ें बड़ी वाजे नज़र आती हैं, एक कि आप अपने ज़हनी दबाव की वजह से जो है वो गड़बड़ करेंगे, और ये ज़हनी दबाव इस चीज़ का होगा कि जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। देखें हर वक्त ऐसा नहीं होता, मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता। इसी तरीके से आप देखें, कहीं धूप है तो बिल्कुल धूप जो है वो वहाँ पे अच्छी नहीं है, आप मुल्तान साइड पे या आपके जो सिबी वसाली साइड है वहाँ पे जाके देखें। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कितने तंग हैं, और अगर आप खाली सर्दी की तरफ देखें जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं तो उनसे पूछ के देखें वो भी तंग है। इतदाल हर चीज़ में ज़रूरी है, और परवरदिगार ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, ये गैलेक्सी में जो स्टार्स मूव करते हैं ना, ये आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के इम्पैक्ट जो है वो लेके आते हैं। अब वो जब टफ़ टाइम आता है उस वक्त आपकी सलाहियतों का इम्तहान होता है कि आप उसमें से कैसे गुजरते हैं, और परवरदिगार का ये वादा है कि मैं किसी को भी उसके ज़र्फ़ से ज़्यादा जो है उसके ऊपर मुसीबत देता ही नहीं हूँ। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि आपकी कोई ऐसा वज़न डाल दिया जिसको आप बर्दाश्त करने की अहलियत हासिल ना कर चुके हों। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम है, इसके लिए आप अगर परवरदिगार से रजू करें और दुआ करें कि परवरदिगारा ये मुसीबत, ये मुश्किल, जो भी आपकी मुश्किल है उसको हल करने में आपकी मदद करे, तो यकीनन परवरदिगार आपकी जो है वो मदद फरमाएगा, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है। एक चीज़ मैंने आपको बता दी सदका, दूसरा सदका मरकरी के वाले से बुध वाले दिन 500 ग्राम मूंग साबत का सदका दें, और दुआए रद्दे नुसरत सियारगान पढ़िए। मैं बार बार आपको इसके ऊपर लेके आता हूँ कि दुआए रद्दे नुसरत सियारगान पढ़िए, ये आपके लिए बड़ी ही अच्छी जो है वो साबित हो सकती है। तो आपने अगर अभी तक दुआए रद्दे नुसरत सियारगान जो है वो शुरू नहीं की तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टार्स अपनी मूवमेंट्स नहीं छोड़ेंगे। जब ये अच्छी पोजिशन में होंगे तो नूर अला नूर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये अच्छी पोजिशन में नहीं होंगे
तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम का बायस जो है वो बन सकते हैं। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप डेली बेसिस पे परवरदिगार से इन सियारगान के मनफी असरात से बचने की दुआ पढ़ रहे हैं, तो फिर कौन सी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम आपको छू भी नहीं सकेगी। ये जितना कुछ मैं बता रहा हूँ ये हो सकता है कि बुनियाद पर है, और ये चीज़ें उन लोगों पर इम्प्लीमेंट करती ही नहीं है, मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, जो कि स्पिरिचुअल रेमेडी करते हैं। जैसे साठ सती वाले, उनको जब हम स्पिरिचुअल रेमेडी करवाते हैं तो क्या साठ सती ख़त्म हो जाती है? नहीं, उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं, उसके असरात को दबा लिया जाता है। तो स्पिरिचुअल रेमेडी सदका ये चीज़ें बहुत ही आला जो है इसमें असर रखती हैं। इस हफ्ते मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा आप मरजान पहने, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ एक जमूरत पहने। मरजान और जमूरत ये दोनों चीज़ें इस वक्त आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हमारी वेबसाइट javajams.com पे 12% फ्लैट रबी लेवल यकम से लेके 17 रबी लेवल तक ये ऑफ़र आपके लिए मौजूद है। तो अगर आपने इसको अभी तक अवेल नहीं किया तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। आपकी लिए सिर्फ एक बात कहूँगा, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा महदूद करें, इसकी वजह से आप ज़हनी दबाव से महफूज रहेंगे और आप पॉजिटिव जो है वो चीज़ें लेके चलने पड़ेगी। आपकी पर्सनलिटी ट्रेट्स, आपकी गुफ्तगू, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव कीजिएगा, और अफवाहों पे यकीन बिल्कुल नहीं आपने करना। इसके अलावा पब्लिक इमेज को आपने अपने बड़े संभाल के चलना है। आपकी गुफ्तगू, आपका एटीट्यूड, आपकी पब्लिक इमेज को जो कि आपने बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिया हुआ है, इसको डिस्टर्ब कर सकता है। आपका वीनस आपके जायचे के दूसरे में आ गया, वीनस के दूसरे में आने से अब बहुत ज़्यादा अखराजात आपके अपनी आराइश और ज़ेबाइश पे जो है वो खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा वीनस आपके जो है सातवें घर का हाकिम है, तो ऐन मुमकिन है आप अपनी शादी के लिए कुछ अखराजात करें, और ये भी मुमकिन है जो पहले से शादीशुदा हैं आपको अपने फ्योंसी के लिए या अपने जो आपका शरीक हयात है उसकी वजह से कुछ अखराजात जो है वो कुछ करने हो, जो कि तोहफे तहाइफ की शक्ल में भी हो सकते हैं, और किसी भी शक्ल में ये आपको अखराजात का सामना करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि परवरदिगार के फजल से आपका हाथ तंग नहीं होगा, इंशाल्लाह आसान तरीके से आप इन मामलों को कवर कर सकेंगे। तमाम हफ्ता इस हवाले से बहुत अच्छा आपका। आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान भी मौजूद हैं, आपकी शादी तय पाने के इम्कान भी मौजूद हैं, बच्चों के साथ आपके समाजी तल्लुकात, बहन भाई, अजीज़ वकारब, आपकी वालदा, प्रॉपर्टी, आपकी सवारी, ये तमाम सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल करना है, एक अपनी हेल्थ का, अपनी जॉब का, अपने मुलाजमीन का, यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपकी हेल्थ जो है वो मार्स के नेगेटिव होने की वजह से दाव पे है, तो आपको बहुत एहतियात के साथ चलना है। यहाँ पे एक बताता चलूँ कि हमने एक ख़ास कॉपर का कड़ा बनाया था, जो पिछले दिन तो मुझे याद भी नहीं था, फिर मुझे स्टाफ ने याद करवाया कि मार्स अगर नेगेटिव हुआ है तो आप ये रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे लोगों को, तो वो कड़ा आपके लिए बेहतरीन जो है वो साबित हो सकता है। आपकी सेहत, खुदा न खास्ता ये जो मैंने कहा कि हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है, इन चीज़ों को बचाने के लिए वो कॉपर का कड़ा परवरदिगार ने जो उसमें कॉपर में खासियत रखी है, और फिर ख़ास टाइम पे मार्स के ही ख़ास टाइम पे मैंने उसको तरतीब दिया था, बनाया था, एक ख़ास प्रोसेस से गुजार के उसको बनाया जाता है, तो वो आपके लिए मौजूद है। आप लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं, नंबर हमारा जो है वो डिस्प्ले पर आ रहा होता है। इसके अलावा आपको जॉब छोड़ने की गलती नहीं करनी, जॉब छोड़ी तो फिर आपके लिए जॉब मिलना जो है वो कदरे मुश्किल हो जाएगा। कैरियर रोज़गार के हवाले से इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। सन असेंडेंट में मौजूद है, जो कि आपके 10वें कैरियर के घर का हाकिम है, और ये बड़ी ही अच्छी पोजिशन आपके लिए जो है वो बना रहा है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि एंड पे मैं आपको जो है वो स्पिरिचुअल रेमेडी ज़रूर दूँगा, ये इस वक्त रेमेडी भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके मसाइल का हल जो है वो इसमें मौजूद है। सात सलाम पढ़िए रोज़ाना 80 मरतबा सात सलाम पढ़िए, और परवरदिगार से जो चाहे मांगे, स्पेशली अपनी सलामती। चूँकि मैं हेल्थ इश्यूज पे बात कर रहा था और आपके करियर रोज़गार पे बात करते करते मुझे जो है वो यहाँ पे मेरा जहन जो है वो आ गया कि मैंने मुझे आपको ये बताना है। सो सात सलाम आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे, हमारे फेसबुक पेज पे आपको जो है वो मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको
कम्युनिटी सेक्शन में हमारे मिल लेंगे। इंटरनेट पे आप खुद भी साथ सलाम लिखेंगे तो ये निकल आएंगे। जो लोग स्पिरिचुअलिज्म से थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं वो इन साथ सलाम के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप वहाँ पे ले लीजिए। 80 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना और अव्वल व आखिर 17-17 मरतबा दुरूद पाक है। सिर्फ पाकिजगी की हालत में पढ़ना है, इस बात को आपने लाजमी कर लीजिएगा। अगर आप जो है नक्श लिखने के फ़न से वाकिफ़ हैं तो मैं आपको कुल आदाद इसके बता देता हूँ। 6174 ये सात सलाम के आदाद हैं। अपने लिए एक नक्श मुरब्बा आथरी चाल से जो है वो लिख लीजिए। और अगर आप इस फन से वाकिफ़ नहीं हैं तो आपको तैयार शुदा जो है वो मिल सकता है, उसके लिए नंबर पे आप रब्ता करके ये ले सकते हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में अगर आपका नक्श है और आप उसको साथ रख के पढ़ें तो फिर तो उसकी पावर्स कई गुना जो है वो बढ़ जाती हैं। और अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते या किसी भी वजह से आप नहीं बना सकते तो खाली इस सात सलाम का पढ़ना भी आपके लिए रहमतों और बरकतों का बायस होगा। ये ख़ास सलाम है, परवरदिगार ने ख़ास मौके पे कलामुल्ला में इनको अदा किया है। यही आपको दे रहा हूँ, सलाम मतलब सलामती। और आप जब इसको पढ़ेंगे आपको मतन की समझ आएगी, आप सलाम भेजेंगे तो वहाँ से भी आपके लिए सलामती और हिफ्ज़ो अमान जो है ढेरों की तादाद में यकीनन आएगा। तो जब भी इन रहमतों बरकतों और नेमतों को समेटें तो अपने लिए ज़रूर दुआ कीजिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने अजीज़ो करब के लिए दुआ कीजिए। और इसी तरह मुझे और मेरी मीडिया टीम को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर कहूँगा इन पर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। और ये वीडियो दो सहबाब अपनी फैमिली तमाम के साथ जो है वो आप शेयर कर सकते हैं ताकि तमाम लोग जो है वो रबीउल अव्वल की इन सआदतों को जो है उसमें समेट सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।